हेलो मैन, क्या एप्पल का आईफोन हैक हो सकता है? देखा जाए तो ये एक चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि हाल ही में आईफोन अलर्ट एक मैसेज यहाँ पर कई लोगों को मिले जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की यहाँ पर सूचना देता है, जिसके बाद यहाँ पर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके फ़ोन को यहाँ पर हैक किया जा रहा है। सरकार इस तथ्य को यहाँ पर मानती नहीं है और साथ ही साथ सरकार ने एप्पल की टीम को यहाँ पर एक नोटिस भी भेजा है और उन्हें यहाँ पर अपनी जानकारी साझा करने को बोला है कि किस तरीके से यहाँ पर आपके आईफोन को यहाँ पर हैक किया जा रहा है, जबकि आप ये दावा करते हैं कि आईफोन को हैक नहीं किया जा सकता है। पूरा मामला यहाँ पर क्या है, किस तरीके की ये घटना है, इसको लेकर के यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि तकनीकी स्तर पर इसकी जानकारी यहाँ पर कैसी है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। क्या आईफोन आपका हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, उन बिंदुओं को भी यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मामला यहां पर आपका चर्चा का विषय बना था कि फोन हैकिंग एक मामले में सरकार ने हाल ही में यहां पर कार्यवाही करते हुए एप्पल को नोटिस भेजा है क्योंकि एप्पल की आईफोन जो हैं उनके कुछ मैसेजेस यहां पर कई लोगों को मिले थे जो कि 31 अक्टूबर को था, जिसमें कई सांसद और पत्रकारों को कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन आया था। इस थ्रेट नोटिफिकेशन में किस तरीके की यहां पे जानकारी दी गई है और मामले की जांच पड़ताल कैसे की जा रही है, इस मामले को आइए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पर हाल ही में सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालयों ने पत्रकारों और विपक्षी नेताओं पर से फोन हैकिंग जुड़े थ्रेट नोटिफिकेशन मामले में एप्पल को नोटिस भेजा है। आईटी सचिव एम कृष्णन ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन जो है इस मामले की यहां पर जांच कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर जैसे कई विपक्षी नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि वहां पर एप्पल के एक नोटिफिकेशन उनको मिला है और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एप्पल को ऐसा लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स निशाना बनाने की यहां पर आपको कोशिश कर रहे हैं। इस मैसेज में जानकारी क्या है, किस तरीके की सूचना यहां पर दी गई थी, वो भी यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जिसमें इस मैसेज में जो जानकारी यहां पर है कि कहा गया था कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली कंप्रोमाइज करने की यानी कि हैक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फोन हैक हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा यहां पर एक मैसेज जरूर आया, एक थ्रेट नोटिफिकेशन आया। यदि आपका डिवाइस किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक से कंप्रोमाइज हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपका सेंसिटिव डेटा, कम्युनिकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन तक यहां पर एक्सेस किया जा सकता है। इट्स मीन कि यहां पर एक तरीके से ये एप्पल मानता है कि कहीं ना कहीं अगर ये कंप्रोमाइज हो जाती है तो उनका फोन यहां पर एक तरीके से हैक हो सकता है और यह संभव है कि यह एक फॉल्स अलार्म भी हो, लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लें और सरकार ने फोन हैकिंग के मामलों को यहां पर स्वीकार नहीं किया है। तो यह पूरा जो नोटिफिकेशन यहां पर आया है वो इस तरह की जानकारी देता है कि कहीं ना कहीं आपके आईफोन में जो मैसेज आया है वो बेसिकली आपके फोन के हैक होने के संदर्भ में है, कोशिशें की जा रही हैं और किसी तरीके से यदि कंप्रोमाइज हो गई है तो आपका सारा डेटा जो होता है किसी और के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और इसे आप गंभीरता से लें। यह भी कहा गया कि यह फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, हो भी सकता है ऐसा कि ना भी हो, लेकिन अगर है तो आप इसे जरूर देखें और इसी के कारण यह पूरा चर्चा का विषय बन गया, विवाद यहां पर उत्पन्न हुआ। अब फोन हैकिंग की जब इस तरह के आरोप यहां पर लगे तो सरकार का इसमें क्या कहना है? देखिए, सरकार ने यहां पर कहा कि फोन हैकिंग के आरोपों को खारिज किया है, साथ ही वो ये भी यहां पर कहते हैं कि केंद्रीय जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने दावा किया था कि यहां पर एप्पल जो कहता है कि करीब 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है और एप्पल के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी भी नहीं है और कंपनी अनुमान के आधार पर इस तरीके के अलर्ट को जारी कर रही है। कहने का मतलब है कोई स्पेसिफिक डेटा यहां पर नहीं है एप्पल, और अगर ऐसा डेटा है तो आप इसे बताएं कि यहां पर किसके द्वारा और कैसे ये किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो यहां पर आप सबूत पेश कीजिए। अब ऐसी स्थिति में यहां पर एप्पल के कर्मचारियों के द्वारा क्या यहां पर कहा गया उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी का यहाँ पर कहना है कि एप्पल को क्लैरिफाई यहाँ पर करना होगा कि उनकी डिवाइस सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है कि फिर 150 देशों के लोगों के पास धमकी वाले नोटिफिकेशन यहाँ पर क्यों भेजे गए हैं। ठीक है, क्या एक साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही कुछ लोगों को यह मैसेज आया है, ऑलरेडी 150 देशों में इस तरीके के आपके नोटिफिकेशन अगर गए हैं तो क्या हर एक जगह पर कुछ 150 देश एक साथ यहां पर एप्पल के आईफोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा कुछ है? तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है, इसकी जानकारी यहां पर आप दीजिए। देखा जाए तो इन्फॉर्म और असिस्ट करने के लिए थ्रेट नोटिफिकेशन जो है एप्पल की एक वेबसाइट के अनुसार
जो थ्रेट नोटिफिकेशन होता है उन यूजर्स को इन्फॉर्म और असिस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके के यहां पर एप्पल के द्वारा थ्रेट नोटिफिकेशन को डिजाइन किया गया है लोगों को जानकारी देने के संदर्भ में। किस तरीके की जानकारी है तो यहां पर देखें, जिन्हें स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जाती है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का मतलब होता है एक तरीके से सरकार के द्वारा प्रायोजित यहां पर हैकिंग, इसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की यहां पर संज्ञा देते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में अगर हम देखें तो लॉकडाउन मोड में इनेबल करने समेत फोन की सिक्योर करने के लिए क्या कदम यहां पे उठाए जा सकते हैं वो हम यहां पे जानकारी भी आपके साथ साझा कर देते हैं। यदि आप भी आप आईफोन यूज कर रहे हैं और आपको इस तरह की कोई घटना ना हो आपके आईफोन के साथ तो आप किस तरीके से बचाव कार्य यहां पर करें। सबसे पहले देखिए, अगर आप आईफोन को यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे सिस्टम है और इस सिस्टम को आप यहाँ पर फॉलोअप कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप यहाँ पर कोई भी हैकिंग इत्यादि ना हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक लॉकडाउन मोड होता है, आप उसे यहाँ पे चालू कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन मोड यहाँ पर है, फोन की सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन को चूज करिए, उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे कि लॉकडाउन मोड का ये टैप आएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर जब आपको लॉकडाउन मोड में डिसेबल होने वाले ऐप और फीचर्स के बारे में फिर यहां पर आप जैसे टच करेंगे तो इस तरह के आपको जो भी ऐप होंगे जिन्हें आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं उन फीचर्स को। उसको पढ़ने के बाद आपको टर्न ऑन लॉकडाउन मोड, यहां पर आपको इस तरीके का जो ऑप्शन होगा उसे आपको टर्न ऑन कर देना है। लॉकडाउन मोड को चालू करने के और फोन को रीस्टार्ट करने की यहां पर फिर परमिशन आपसे मांगी जाएगी, आप उसे रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट होने के बाद लॉकडाउन मोड ऑफ का चालू हो जाएगा और आप इससे सेफ हो जाएंगे। तो पूरी यहां पर यह प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहेगी और आपका फोन यहां पर किसी भी तरीके से हैक नहीं होता है। अब लॉकडाउन मोड में जो डिवाइसेस होंगी वह एक्सट्रीमली रेयर और हाईली सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक को बचाने में मूल रूप से यहां पर आपको मदद करता है। जब लॉकडाउन मोड यहां पर इनेबल होगा तो आपका डिवाइस उस तरह से यहां पर नहीं काम करेगा जैसा आमतौर पर करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स आपको शायद यूज करने को ना भी मिले। अटैक को रोकने के लिए कुछ ऐप्स, वेबसाइट और फीचर्स को यहां पर लिमिटेड कर दिया जाएगा और आप उस फ्रीडम के साथ उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ अच्छी तरह से फंडेड यहां पर आपको होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक जो कि यहां पर आपको किए जा रहे हैं, जैसा कि यहां पर थ्रेट एक नोटिफिकेशन जो आया है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो होते हैं उनकी यहां पर क्या जानकारी है वो भी मैं बताऊं। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो है अच्छी तरह से फंडेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनके अटैक जो है समय के साथ विकसित होते हैं और ऐसे हमलों का पता लगाना जो होता है वो भी अपने आप में थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल्स पर यहां पर निर्भर करता है जो कि देखा जाए तो कई बार परफेक्ट भी नहीं होते हैं, अर्थात कि 100% यहां पर ये थ्रेट नोटिफिकेशन सही होंगे इसकी कोई गारंटी यहां पर नहीं है, ये आधे अधूरे भी यहां पर रह सकते हैं। यह भी संभव है कि कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म हो और कुछ अटैक को डिटेक्ट भी यहां पर ना किया जा सके। तो एक तरीके से आपको फुल प्रूफ यहां पर देखा जाए तो इस तरीके के यहां पर सिक्योरिटी नहीं है और यह गलत भी हो सकती है, इसके भी चांसेस यहां पर आपको बताए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी यहां पर जानकारी है कि कुछ कारणों से यहां पर हम देखते हैं थ्रेट नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जाता है, एप्पल ऐसा कहता है। वो कहते हैं कि क्योंकि ऐसा करने से स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स अलर्ट हो जाएंगे। अगर हम ये जानकारी आपके साथ सरकार के साथ या किसी अन्य के साथ हम साझा कर दें कि कौन यहां पर ट्राई कर रहा है, कौन यहां पर अटैक कर रहा है, तो जो लोग अटैक कर रहे होंगे वो इससे सतर्क हो जाएंगे अगर हम उन्हें बता देते हैं। तो ऐसा करने से अपने तरीके से यहाँ पर वो अपने आप को अटैक करने की जो प्रक्रिया होगी वो बदल सकते हैं, साथ ही भविष्य में पकड़ में ना आए इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम भी कर सकते हैं। वहीं एप्पल नोटिफिकेशन जो है असली है या नहीं या वेरीफाई करने के लिए आपको एप्पल आईडी apple.com पर साइन इन करके आप उसे देख सकते हैं। अपनी जो भी आपकी सभी के यहाँ पर जो भी आईफोन यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, तो इस तरीके के यहाँ पर आपकी अपनी एक एप्पल आईडी होगी, उस पर जा करके वहाँ पर साइन इन एंड सिक्योरिटी करके आपकी एप्पल आईडी, पासवर्ड, अकाउंट सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन और ईमेल के माध्यम से आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप उसे लॉगिन करेंगे यहाँ पर एक थ्रेट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो कि दिखाता है कि किसी तरीके कोई भी कहीं ना कहीं अगर आपको एप्पल के द्वारा थ्रेट नोटिफिकेशन भेजा गया है तो वो जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सिक्योरिटी के लिए देखिए आपको 3 स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होंगे जिसके माध्यम से आप इसे सेफ अप भी कर सकते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपने डिवाइसेस को देखा जाए तो अपडेट कर लें। कोई भी यहां पर जो अपडेशन आती है उसे जरूर करें क्योंकि इससे लेटेस्ट सिक्योरिटी फिक्सेस जो होती हैं वो उसमें शामिल हो जाती हैं।
डिवाइसेस को पासकोड से प्रोटेक्ट करें, एप्पल आईडी के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और मजबूत यहां पर पासवर्ड को यूज करें, और तीसरा ऐप स्टोर से ही ऐप को इंस्टॉल करें, अननोन सेंडर के लिंक अटैचमेंट क्लिक ना करें और स्ट्रांग और यूनिक पासवर्ड यूज करें, और इस तरीके से अपने एप्पल को आईफोन को आईडी को यहां पर किसी भी प्रकार के हैकिंग से सेफ रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही इस जानकारी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ऐसे विषयों को लेकर हम विश्लेषण करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।